नड़िया कतारे प्रस्तुत होइचे आखि खुशी देला परी अलंकार। ए दृश्य होउचे पुरी सरदा बाली रो जोठी के ओरमास पक्षर जो पलिश्री मेलाटी आयोजन होइचे ए सरदा बाली रे तबे महाप्रभु विजय करिसंती एवं आरोप मंडप को गोटी पहुंडी रे गतकाली महाप्रभु विजय करि सारिसंती। आज गोटी पटे मध्य महाप्रभु को आरोप मंडप दर्शन एवं आरोप अभड़ा एवं ए भितरे जो 23पुर अंचल रु आसीतिबा गोटी स्टॉल रे कि नड़िया कतारे अनेक अलंकार तयार होइछि जेउठी कि मध्य आपण माने सुना रूपारे मध्य पिंधुतेबे किंतु एठी नड़िया कतारे प्रस्तुत एवं आखि खुशी देला परि मध्य अनुभव हेउछि। एवं देखुतबे आपण हार हेउ मुदी हेउ चेन हेउ कि विभिन्न प्रकार जो अलंकार आवश्यक होइता गोटे पिंधापी से गुड़िक सब कि कतारे चित्र हूँ कि ओडिशा जहाँ कह जो स्टल रही मेम्बर मैंने जहाँ कहते आलोचना जहाँ करूँ आम तो कह कथा कि ये ओडिशार प्रथम कारुकार्य कहपर जी कि नड़िया कतार अति निखुण भाव में आपड़ देखुवे अति निखुण भाव जमीक सुनार गोटे अलंकार या हारटी या सामान भाव में किसी स्टोन लगी कतार ही पूरा ये अलंकार वर्णना होमें आलोचना करम सहित से कारीगर मैंने अच्छा जो मैंने कि 23पुर अंचल जे कि प्रस्तुत करलंकार गुड़िक कौन कौन अलंकार रही केमी प्रस्तुत केमी कौन यार मार्केट चाहिदा के तमाम विषय में आलोचना करवा। मैडम अर्गस न्यूज को स्वागत। पलिश्री मेलार आपड़ गोटे स्टल पड़ी क्योंठ आसी स्टल स्टल नाँटी कौन एवं जो अलंकार आम देखुचे सो विभिन्न स्टल थ्रु ये स्टल ये गोटे नुआ भिन्न धरण आज्ञा यहाँ पूरी जिला 23पुर आमर नड़िया कतारे यहाँ प्रथम किरी आम ओडिशा को नड़िया कतारे विभिन्न प्रकार ज्वेलरी आइटम हो पार बहुत सुंदर काम विस्तृत भाव मैडम जानवा को चाहिए ये जो गुड़िक अलंकार रही कौन कौन अलंकार कतारे सब मानने मयूर हो पार विभिन्न प्रकार फूल सब प्रकार आइटम हो पार निश्चित भाव में ए चित्र देखु जो भाई कि पूरा अलंकार गुड़िक प्रस्तुत हो तो पूरा जे निखुण भाव में कारुकार्य तो से जो मैंने भी आसुंच बुलवापी ये ओरमास पलिश्री मेलापाई से समस्त यही जिनस को देखापी स्टल अपेक्षा करण अति निखुण भाव में कार्य ये आप देखुवे कान रे अलंकार ये बेक पिंधा जाऊँगा अलंकार हार होता पाए तो अनेक विभिन्न जिनस गुड़िक देखुवे आप अति निखुण भाव आलोचना करवा अन्य कारीगर मैंने अच्छा जो मैंने कि कार्य कर दीर्घ दिन धरिक वास्तव मार्केट चाहिदा कौन रही है ये जो अलंकार कतारे प्रस्तुत होती यार मार्केट चाहिदा केमी रही जदि लोक मैंने विशेष भाव में गोटे पसंद करते सुनार पिंधा कितु ये कतार अलंकार या कते लोक ग्रहण करते के यार मार्केट चाहिदा केमी सर जेहेतु ये प्रथम थरपाई आम ओडिशा तैयारी मात्र 30 जन महिला को ट्रेनिंग नहीं वर्तमान आम यहाँ देखुचु यार जो मार्केट प्राइस आउ लोकों इच्छा प्राइस भी टे तफात रोचे जोटा आम पाखे 3000 सहीटा से 1500 टाँग मध्य कर स्पष्ट मत यह स्पष्ट करूँ ये जो अलंकार आम देखुचे बर्तमान ये अलंकार आनुमानिक मूल्य कौन ये अलंकार कौन अलंकार यार आनुमानिक मूल्य टाँह 2000 बट लोकंर यार 1000 800 टाँग भितर ने इच्छुक श्रम खर्च के अलंकार खर्च आनुमानिक सर या खर्च सीना बहुत कम अच्छी कितना गोटे लोकर समय बहुत लगे ये कम करवा बहुत छोट छोट अखीरे पड़ो तेणुक याक निहाती भाव कम करने 10 दिन रू 12 दिन लगे गोटे पीस की से तार लेबोरेटरी चार्ज हिंसा अधिका रही जाए निश्चित भाव में जी भी मानने रेट आनुमानिक जी भी रेट धार्य मूल्य कि जेहेतु कम चाहिदा कम रही है से कम दर में बिक्री करने को बाध्य स्टल जो व्यवसाय मान रही से बिक्री करने को बाध्य आम आलोचना करवा कारीगर मैंने अच्छा मैडम ये जानवाक चाहिए के प्रकार अलंकार प्रस्तुत करता आज्ञा कह विभिन्न डिजाइन ऑर्नामेंट आम अवेलेबल अच्छी सबु प्रकार जेकोसी जिनस देखुं आपड़ मेंटल टू आरंभ कर सुना रूपा हीरा पर्यंत सबु प्रकार आइटम आम कतारे तैयार आउ कह गले मीडिया मध्यम मु सरकार को अनुरोध करुच्ची कौन सी या प्रति आकर्षण लोक मान सम्मुख को या आकर्षण दृष्टि को आनी ये जिनस अधिक प्रचार हो पार लोक मैंने हूँ तो ये प्रति आकृष्ट टी हे कि कतार जो अलंकार रही हार हो चेन हो कानफुल हो जेकोसी जिनस रही कि बहुत आग्रह हाँ सरकार को प्रोत्साहन आवश्यक रही
ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର DIC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂରେ 30 ଜଣ ଭାଗ ନେଲେ, ତ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଗଲା ପରେ ଏ ଅଳଙ୍କାରର ମାର୍କେଟିଂଟା କେମିତି ଆମର ମାର୍କେଟିଂଟା କିପରି ହେଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତ ଇଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ, କେତେ ଦିନ? ଏଇଟା 10-12 ଦିନ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ, 10-12 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ତ ଆର ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଇଟାର ପଇସାଟା କମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେବର ଚାର୍ଜଟା ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛେ, ତ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଖୁଣି ଦେଲା ପରି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ରହୁଛି ତ 3-4 ହଜାର ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଆକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ 1500-1700 ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତଥାପି ବି ଆମର ଲେବର ଚାର୍ଜ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତମାମ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି 23ପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍, ଯିଏକି କର୍ତ୍ତାରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଅଳଙ୍କାର, ଏବଂ ଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ ସେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଅତି ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ କାରିଗର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କାରିଗର ଶିଖିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା କେତେ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଆମର 30 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ମିଳିଲା ଆଜି ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କତାରେ କିପରି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ଜିବିସନ କରୁଛୁ, DIC ପୁରୀ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ଆପଣ ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଚାହିଦାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିବାରୁ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କତା ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।